Simple English. No confusion. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब क्या चल रहा है? सालार फॉर्म पे चल रहा है, इट मीन्स ये कि परफॉर्मेंस सॉलिड फॉर्म पर चल रहा है। देखो इस बंदे की किस्मत कहो या कुछ भी कहो, भाई सॉलिड चल रही है। इतने सारे क्लैशेस, इतने सारे फ्लॉप्स, उसके बावजूद भी देखो सालार को जो हाइप मिल रही है, वो भी सामने शाहरुख खान, जिसने अभी जबरदस्त स्टारडम कमाया, जबरदस्त फैन फॉलोइंग कमाई है, जनता के दिल में ताजे ताजे राज कर रहे हैं, पठान और जवान के साथ हजार हजार करोड़ की मूवी दी है, बावजूद इसके जवान की एडवांस बुकिंग से इनका हाई जा रहा है नंबर। भाई साहब एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, नॉट इन अ प्रॉपर वे, फ्लेक्सिबिलिटी में ओपन हुई है, मतलब कुछ कुछ जगह पर, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ पर ओपन हुई है जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। सालार का ट्रेलर कंफर्म है, 1 दिसंबर को ट्रेलर आ जाना है। कब? जब एनिमल मूवी रिलीज होगी। और ये जबरदस्त न्यूज भी आ रही है कि जब जब एनिमल मूवी थिएटर में चलाई जाएगी, तब तब सालार का ट्रेलर उससे पहले चलाया जाना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर AA फिल्म्स है, हिंदी में AA फिल्म्स है एनिमल का भी और AA फिल्म्स है सालार का भी। तो ये जबरदस्त कॉम्बो देखने को मिलेगा और सॉलिड कॉम्बो देखने को मिलेगा। रोड मैप पूरा फाड़ के तैयार कर रखा है प्रशांत नील ने, और ये लोग खतरनाक है। KGF यूनिवर्स को जबरदस्त तरीके से हाइप सेट कर रहे हैं और उसे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इससे बहुत बड़ी बड़ी बिग अपडेट्स अब निकल कर आने लगी हैं। लाइक ओवरसीज में एडवांस विंग तो ओपन हो ही चुकी है, दूसरी तरफ अब मेकर्स फुली एक्टिव हो चुके हैं। प्रशांत नील बहुत सीरियस हैं, क्योंकि सामने राजकुमार हिरानी डायरेक्शन की मूवी डंकी है, जिसमें शाहरुख खान बैठे पड़े हैं। तो भाई ये लोग बहुत सीरियस हैं अपनी मूवी को आगे ले जाने के लिए, और उस हिसाब से ये लोग अपडेट भी कर रहे हैं लगातार। मूवी को अभी 34 से 35 दिन बचे हैं और इन्हीं दिनों में ये मूवी इतनी हाइप सेट करने वाली है, जो पहले से ही है, बूस्टर मिलने वाला है और ज़बरदस्त बूस्टर मिलने वाला है। सुनने में ये भी आ रहा है कि पृथ्वीराज जो इनके मेन विलेन होने वाले हैं और प्रभास जो इनके मेन हीरो होने वाले हैं, इनका जो आमना सामना करवाया जाएगा बहुत सॉलिड सेट करा गया है प्रशांत नील के द्वारा। लाइक हम विजय सेतुपति और शाहरुख खान को देखने जवान मूवी में, भाई क्या खतरनाक, मतलब निगेटिव करेक्टर हो तो ऐसा, पॉजिटिव करेक्टर हो तो ऐसा, जो सॉलिड कॉम्बो देखने को मिला फाड़ के गया है। वही वाला सीन, वही वाला एरा हमें सालार में भी देखने को मिलने वाला है। देखो बहुत सी थ्योरी जनरेट करी जा रही है अब कि यार सालार में ये होने वाला है, वो होने वाला है। लाइक KGF यूनिवर्स को ये फॉलो करेगा, उसको बूस्ट करेगा, कैसे करेगा? देखो जो मदर वाला इमोशन था ना KGF में, माँ बेटे का जो रिश्ता वाला, वही चीज़ शायद इसमें भी फॉलो होने वाली है। लेकिन 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 उससे ही पहले एक चीज़ 101% कन्फर्म हो चुकी है कि भाई साहब सुपरस्टार यश का कैमियो सॉलिड तरीके से इसमें देखने को मिलने वाला है। मतलब अब देखो यहाँ से प्रभास का, मतलब सालार का जन्म कैसे हुआ, KGF यूनिवर्स का एक छोटा सा लिंक या लीड सेट कर रखा है, ऑफिशियली नहीं आया है बट एक र्यूमर्स है या कुछ भी है, लेकिन सॉलिड लॉजिकल है। तो एक बार के लिए एक्सप्लेन करते हैं कि जब प्रभास का जन्म कहाँ से निकाला गया है। मतलब KGF में आपने वो देखा होगा कि मतलब KGF के अंदर ही इस फरमान नाम के लड़के को दिखाया गया है, पर KGF 2 में प्रॉपर तरीके से इसे मरते हुए नहीं दिखाया गया था। तो जो जन्म हुआ है वहाँ से, इनकी ये रॉकी भाई को अपना आइडल के हिसाब से मानने लग गया था, मतलब जो सुपरस्टार यश है उसको, तो रौद्र रूप वहाँ से उसका देखने को मिला था। वो लीड यहाँ से जनरेट करी जा रही है कि शायद वही करेक्टर आगे चलकर सालार होने वाला है, और वही जाके जो आइडल यश हैं उसको एक बार के लिए आके मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो भी करेंगे, तो वो सॉलिड कैमियो वहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो भाई साहब सालार फुल तैयार है, इनके पास फुल रोड मैप तैयार है और ये लोग स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। 1 दिसंबर को ट्रेलर जब आएगा ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो व्यूज होते हैं, घंटों में जो रिकॉर्ड सेट करे जाएंगे उस ट्रेलर के द्वारा, भाई देखने लायक होगा और ज़बरदस्त होगा। लाइक्स के मामले में सबकी फाड़ने वाला है ये ट्रेलर, और बहुत सॉलिड ट्रेलर आने वाला है, क्योंकि प्रशांत नील बहुत कॉन्फिडेंट है। इन्होंने पूरा तैयार कर दिया, पूरा सेट कर दिया कि 22 दिसंबर को इन्हें आना है तो आना है, बस सिंपल इंग्लिश, नो कन्फ्यूजन, मतलब डायनासोर फाड़ने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से और कौन सी थ्योरी यहाँ जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है? यस के कैमियो के लिए सालार में कौन कौन कितना एक्साइटेड है, नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। KGF यूनिवर्स भाई ये कितने आगे निकलने वाला है, इसमें और क्या चेंजेस देखने को मिलने वाला है, कौन कौन इसके लिए एक्साइटेड है, नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। और ट्रेलर के लिए कौन कितने एक्साइटेड है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।